आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्राई चिकन रेसिपी, जिसमें हमें किसी भी मसालों को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी ये परफेक्ट बनकर रेडी होगी हमारी चिकन रेसिपी और खाने में भी बहुत स्वाद। मैं उषा फिकर कुक के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ड्राई चिकन रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देखते हैं, फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 500 ग्राम चिकन लिया, 8-10 साबुत लाल मिर्ची लिया है मैंने, 20 ग्राम लहसुन लिया है, 150 ग्राम के करीब मैंने प्याज लिया है, उसे भी चॉप कर लिया है पतला पतला, एक तेज पत्ता लिया है मैंने। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने साबुत मसाले लिए हैं, 2 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। तो सबसे पहले हम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पर गार्निश करने के लिए हरा धनिया लिया है। तो गैस पर मैंने एक पतीली चढ़ा दी है, तो पहले मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से, खुशबू आने तक इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और साथ में जीरा भी, तो इन मसालों की खुशबू अच्छी आएगी ड्राई रोस्ट करने के बाद। इसके बाद हम इन्हें दरदरा कूट लेंगे और अच्छा हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक हमारे मसालों की खुशबू अच्छी ना आने लगे। इसका फ्लेवर चिकन में बहुत ही टेस्टी होगा। तो हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है, तो अब इसे मैंने यहाँ पर एक पत्थर वाला लिया है कूटने का, तो सारे मसालों को हम इसमें ट्रांसफ़र करके दरदरा कूट लेते हैं। और दरदरे हुए कूटे हुए मसालों का फ्लेवर बहुत ही टेस्टी आता है, किसी चीज़ में भी डालिए आप। और खड़े मसालों की बात ही निराली है फ्रेंड्स, किसी चीज़ में उसका टेक्सचर और खाने किसी भी खाने की जान होती है ये खड़े मसाले। अब इन्हें हम अच्छे से दरदरा कूट लेते हैं एकदम। तो यहाँ पर हमारे मसाले दरदरे कूट गए हैं, हमें ऐसे ही दरदरा कूटा हुआ चाहिए, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा। तो इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, मसालों को निकाल लेती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है मसालों को। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस पे मैंने एक भगोना चढ़ा दिया है, पतीली भी कहते हैं इसको। तो अब इसमें हम ऑयल डालते हैं। यहाँ पर मैंने रिफाइंड तेल का यूज़ किया है, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं अपने मनपसंद, जो आपको पसंद हो कुकिंग ऑयल जो आप खाते हो। तो यहाँ पर मैं 50 ग्राम के करीब इसमें रिफाइंड तेल और ऐड कर देती हूँ। और इसे गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे तड़के के लिए, साथ में हम इसमें तेज पत्ते भी डाल देंगे जब हमारा जीरा हो जाएगा। और इसे हल्का दोनों को हम अच्छे से भून लेते हैं। अब ये हमारा भूनकर रेडी हो गया है तेज पत्ते और जीरा। तो अब प्याज हम चॉप किया हुआ डाल देते हैं इसमें, साथ में लहसुन भी ऐड कर देंगे। साबुत लहसुन लिया है मैंने यहाँ पर, साबुत लहसुन को भी ग्राइंड नहीं किया है मैंने। अब दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे हम, मिक्स करके पकाएंगे। 2 मिनट ही पकाना है हमें, ज़्यादा नहीं पकाना है इसे। तो 2 मिनट हमारे ये पक कर रेडी हो गए हैं प्याज और लहसुन। तो अब इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था 2-3 पानी से, और आपस में मिक्स कर लेते हैं इन सारे इंग्रेडिएंट को। इसमें साथ में हम नमक भी ऐड कर देंगे, तो स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पहले ही नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक पानी छोड़ता है। तो अब नमक के साथ हमारे चिकन और प्याज अच्छे से ठीक हो जाएंगे। और ढक्कन लगा दिया है मैंने। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गया है हमारे प्याज और चिकन को पकते हुए नमक के साथ में। तो देखिए कम से कम नहीं तो 20 मिनट के करीब 20% तो हमारे प्याज अच्छे से ठीक हो गए हैं। तो अब इसमें दरदरा कूटा हुआ हम मसाला भी ऐड कर देते हैं, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर देते हैं हम। ये साबुत लाल मिर्ची जो मैंने लिया था इसको भी डाल दिया। यहाँ पर मैंने कोई भी मिर्ची पीसी नहीं है, आज मैं साबुत मिर्ची डालूंगी, साथ में हल्दी पाउडर। और इसे आपस में मिक्स करके इसमें वापस फिर से हम ढक्कन लगाएंगे। मसालों को भी कम से कम हम 5 मिनट पकाने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन लगाकर। और यहाँ पर मैंने बाजार वाला चिकन एवरेस्ट का मसाला लिया है, उसे भी ऐड कर देते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर 2 खड़े लहसुन लिए हैं, तो साबुत वाले, उसे भी ऐड कर देते हैं। ये खाने में चिकन में या मटन में बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में भी मैंने डाला था चिकन में,
हमारे घर में अक्सर डाले जाते हैं ये साबुत लहसुन। और अब हम मसालों को भी 2 मिनट पकने देंगे ताकि मसाले भी अच्छे से हमारे तेल छोड़ दें। तो देखिए यहाँ पर मसाले हमारे रेडी हो गए हैं, अच्छा तेल छोड़ दिया है मसालों ने भी, तो मसाले भी अच्छे से पक गए हैं हमारे। अब इसमें मैं आधे गिलास के करीब पानी ऐड करूँगी ताकि चिकन हमारे अच्छे से पक जाए। आधा ही गिलास पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी क्योंकि चिकन को भी पकने के लिए चाहिए, तो इसमें आधे गिलास पानी की ज़रूरत थी। और साइड से मसाले लगे हैं तो मैं छुड़ा लेती हूँ इन्हें और वापस ढक्कन लगाकर इसे 10 मिनट और पका लेते हैं हम धीमी आंच पर। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और हमारा चिकन बनकर एकदम रेडी हो गया है परफेक्ट, और लहसुन भी पक गई है। साथ में ये जो लाल मिर्ची डाला था मैंने, तो इसके जो तीखापन है वो चिकन में पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। और अब मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको कि हमारी चिकन कैसे बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है, अब प्लेट में मैं सर्व करती हूँ फ्रेंड्स। अभी गर्म है हमारा चिकन और ये यकीन मानिए ये चिकन खाने में बहुत ही टेस्टी होगी फ्रेंड्स। ये मेरे पापा की रेसिपी है, आज वो इस दुनिया में नहीं है फिर भी उनकी बताई हुई रेसिपी, उनके हाथों की बनाई हुई ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे फादर हमेशा ऐसी ही रेसिपी बनाते थे चिकन की। तो देखिए कितना परफेक्ट बनकर ये रेडी हुआ है और खाने में इसका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।